और अब इन लड्डुओं की प्लेटिंग कर देंगे। ये लड्डू देखने में जितने सुंदर हैं, खाने में उतने टेस्टी हैं और बनाने में भी आसान है। नमस्ते, मैं सुमनलता दीक्षित। आज मैं अपनी किचन में सूजी के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए देखते हैं इनको कैसे बनाना है। गैस के ऊपर कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच देसी घी डाला हुआ है और अब इसमें 10-12 काजू हैं, इनको बारीक काटा हुआ है, इनको डाल देंगे और इनको भून लेंगे। जैसे ही इनका रंग चेंज होगा इसमें किशमिश डाल देंगे। बस अब इनको किशमिश के साथ थोड़ी सी देर चला के फिर निकाल लेंगे कढ़ाई में से। और अब इसमें 2 बड़े चम्मच घी और डाल देंगे और अब इसमें 1 कप सूजी डाल देंगे। सूजी को भूनते वक्त गैस की फ्लेम को तेज नहीं रखना है और अब इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जैसे ये सूजी भून जाएगी इसमें 1/2 कप कोकोनट पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। चौथाई चम्मच क्रश की हुई इलायची डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 कप कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। 2 छोटे चम्मच दूध डालेंगे। अब इसको मिक्स करते हुए इसका डो बनने तक पका लेंगे। जैसे ही इस मिक्सचर का डो बनना शुरू हो जाएगा गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मिक्सचर को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, थोड़ा सा ये ठंडा हो गया। हाथ को ग्रीस करके इसके लड्डू बनाएंगे। इसी बात का ध्यान रखना है, सूजी भूनते वक्त गैस की फ्लेम तेज नहीं होनी चाहिए ज्यादा और उसको लगातार चलाते रहेंगे। बड़े छोटे जैसे भी बनाने बना सकते हैं। इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनकर तैयार है। चलिए मिलते हैं अब एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। बाय।